हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो मैं आज विश्वेश्वर है म्यूजियम के पास आके हूँ, जो कि कमन पार्क के बाजू में है। तो अभी मैं म्यूजियम के अंदर जाने वाला हूँ, तो देखते हैं, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होंगे उधर पे। मैं या आसिफ अंदर जाने वाले हैं, देंगे आपको भी दिखाता हूँ कैसे है म्यूजियम, क्या क्या चीज़ें हैं। टोटली 3 या 4 फ्लोर होंगे, तो देखते हैं, चलते जाके देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। टिकट हम लोग मिल गए हैं टू म्यूजियम। तो गाइस, डायनासोर का वर्किंग पार्ट। गाइस डायनासोर, गाइस उसकी पूंछ देखिए, हल रही है पूंछ। ये सबसे पहला प्लेन था जो कि 1903 में बनाया गया था। राइट ब्रदर्स जो थे वो बनाए थे, तो उनका एक स्टैचू इधर पे एक है, इधर पे एक स्टैचू है उनका। तो ये रहा प्लेन, ये ओरिजिनल नहीं है, बनाया इधर पे बनाया गया है। ओरिजिनल कभी यूएसए में कहीं पर होगा। तो गाइस डैम है, डैम में देखते हैं कैसे वर्क होती है, देखिए डैम कैसे वर्क होती है। पानी आना स्टार्ट हो चुका है। तो करंट जनरेट करते हैं ना, पानी जो फोर्स है कैसे टैंक पान फिर रहा है डायनामो है इधर पर। एक मशीन बाइक्स में जो स्पार्क प्लग होता है ना, वो भी है उधर पे, दिखाता हूँ। और गाड़ी की इंजन जो पिस्टन होती है, जो सिलेंडर होता है, वो कैसे काम करता है, वो भी है, वो भी दिखाता हूँ। मुझे भी ये कोई गाड़ी की इंजन ही लग रही होगी, बड़ी वाली। कितने हॉर्स पावर होगी इसमें इंजन, जो लाइट्स लग रहा है ना, वो स्पार्क होता है जो आप गाड़ी के इंजन में होते हैं ना, सिलेंडर में, जिसे करंट पास होता है और फ्यूल जो बर्न होता है। यही सारे अलग अलग डिजाइन्स पे हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली, पता नहीं कितने सारे हैं, किस किस में यूज़ होते हैं। तो पर कुछ लिखे हैं, ये शेवरलेट की इंजन है, शेवरलेट कार की जो ब्रांड है उसकी इंजन है ये। पता नहीं कौन सा मॉडल, कौन सी गाड़ी की, बहुत पहले की होगी। डीजल इंजन को, डीजल इंजन है, देखते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, कंप्रेशन से जो है फ्यूल बर्न होता है, जो भी जो डीजल इंजन है।
एक टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक, ये वाली टू स्ट्रोक होगी और ये वाली। जादू का टैप पीछे कुछ नहीं, फिर भी पानी आ रहा है, आप देख सकते हो। फिर कैसे आ रहा है पानी, कहां से आया पानी, पीछे कुछ नहीं है फिर भी पानी आ रहा है। फसलों पर हम लोग सेकेंड फ्लोर आसिफ में सेकेंड फ्लोर का देख सकते हैं, बहुत सारे टेक्निकल डिवाइसेस है, बड़े बड़े लेबोरेटरी। बहुत सारे चीजें हैं, देखते हैं एक 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 बहुत जो जितने हो सकते हैं उतने दिखाता हूँ। देखिए आंटी उधर गया, आंटी टेलीफोन्स। आसिफ कुछ ट्राई कर रहा है, कंप्यूटर जो कि IBM वाले ने बनाया था, सेकेंड जनरेशन। कितना बड़ा है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, बाय द वे असली नहीं है, लोग असली नहीं है, कंप्यूटर पता नहीं असली हो सकता है, हो भी सकता है। आसिफ कंप्यूटर असली है वो, आसिफ का तो नहीं कह रहा, लोग तो वैसे लोग तो नकली है, लोग तो असली नहीं है। ये रियलिटी में ऐसा कुछ रियलिटी में हो सकता है, आसिफ का मानना ऐसा है। बहुत सारे सॉकेट्स हैं, टेलीफोन एक्सचेंज, कंप्यूटर नहीं टेलीफोन एक्सचेंज है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कुछ ऐसा लगता था, फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन PC पर्सनल कंप्यूटर 1981 जो कि IBM ने वाला बनाया था, फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर। स्पेस तो अभी हम लोग कितने फ्लोर पे आते, थर्ड फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है। आसिफ लेफ्ट या राइट, तो फर्स्ट हम लोग राइट में जाएंगे फिर लेफ्ट में उधर पर। तो एस्ट्रोनॉट जी, हाय एस्ट्रोनॉट, हाउ आर यू। ये कोई आर्ट शर्मा की फोटो लगी है, पता नहीं कौन है ये, एक्सक्यूज मी फॉर दिस वन। बहुत सारे स्पेस की चीजें हैं यहाँ पर, ये स्पेस सूट है, स्पेस सूट गाइस, अंकल कुछ कह रहे हैं। तो ये लगता है स्पेस में यही खाते होंगे, पता नहीं। अब मैं वहाँ का जस्टर कंट्रोल कर सकता हूँ, देख आप वहाँ देख सकते हैं। डिश होती है ना वो वाली, सैटेलाइट के जो रेडियस लेते हैं ना, पता नहीं आसिफ कुछ कर रहा है उधर पर। स्पेसशिप के अंदर ले बाहर, थ्री ओ क्लॉक हो रहा है,
2 o'clock को हम लोग आए थे इधर पे, कवर हो चुका है हम लोग फिरते बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप बेंगलोर से हो तो आई डेफिनेटली आप तो आए होंगे, अगर आप कभी बेंगलोर आ रहे हो तो आके देखिए, बहुत ही अच्छा है। तो इधर ये फ्लोर पर राइट नहीं है, सिर्फ लेफ्ट है। डेवलप कैसे करते थे, कुछ कर रहे हैं अंकल, फोटो डेवलपिंग सेंटर है ये। तो ये वीडियो देखो, फोटो कैसे डेवलप करते होंगे। अब आप लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर, आपको कुछ लेना हो तो ले सकते हैं। वो जो ऊपर जा रहा है ना राइट, वो सिग्नल आ रहा है उसको रेडिएशन। ऊपर जो है सैटेलाइट है, नीचे डिश है, तो रेडिएशन मिल रहा है उसको। देख रहे हो ना, ये हमारी बॉडी की हीट से रिकग्नाइज करता है कि हम लोग कहाँ पर होंगे। इसका नाम है थर्मल इमेज है। करने के लिए कुछ था नहीं, बस थोड़ा बहुत ही था। अभी चल रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, आपको क्या दिखा सकते हैं। ऊपर कैंटीन है। तो गाइस सारा म्यूजियम फिर लिए, आपको सब कुछ दिखा दिया। अभी हम लोग म्यूजियम के बाहर जा रहे हैं। तो मुझे सामने की बैंक में थोड़ा काम था, मेरी पासबुक और चेकबुक रीइशू करानी थी, तो मैं उधर पे लेटर देके आ चुका हूँ। अभी जाके वो रिसीव करके, लेटर अभी रिसीव कर लूँगा, सॉरी लेटर नहीं, पासबुक और चेकबुक रिसीव करके अब घर पे चलते हैं। नहीं, म्यूजियम दिखाया, म्यूजियम आपको सब म्यूजियम का सब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो वाली बैंक पे काम है, वो वाली बैंक मर्सिडीज का शोरूम। मेरे पास एक्शन कैमरा नहीं है, लेकिन एक वन टू वीक्स में आ जाएगा एक्शन कैमरा भी, तो व्लॉग्स भी मैं बहुत अच्छे अच्छे डालने वाला हूँ। मेरी गाड़ी पर भी थोड़ी कस्टमाइजेशन करने का है, थोड़ा स्टिकर्स वगैरह लगाऊंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना चाहिए तो दबा सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। तो गाइस मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।